नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जनरल आइल्स वालों को मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपना टाइम और उसके साथ अपना पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि आप लोगों के पास ना तो टाइम होता है क्योंकि आप लोग जॉब कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो जनरल आइल्स करने वाले लोग होते हैं वो मैरिड होते हैं, तो उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके पास इतना खर्चा भी नहीं होता है। अगर मैं अभी करंट ट्रेंड की बात करूँ तो जैसे कि आप लोग जानते हैं चार एग्जाम होने वाले, क्योंकि 5 को भी है, 26 अक्टूबर को भी है, उसके बाद अगर मैं नवंबर मंथ की बात करूँ तो 16 और 30th नवंबर, ये दो एग्जाम डेट्स हैं जिसमें जनरल का एग्जाम होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको चाहे आइल्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूकेवीआई आइल्स का एग्जाम दे रहे हो, इंडिया में दे रहे हो या कनाडा में दे रहे हो या फिर किसी और कंट्री में दे रहे हो, मैटर नहीं करता है, सारी की सारी कंट्रीज को कवर करूंगा और बताऊंगा कि आपको ये एग्जाम कैसे क्रैक करना है। और इस वीडियो में मैं आपको जनरल आइल्स के सारे टिप्स बताने वाला हूं। 5 बैंड से लेकर 7 बैंड के बीच में कोई भी स्कोर आपको चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, सब कुछ कवर करके आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में हम 3 मॉड्यूल की बात करेंगे, जैसे रीडिंग है, उसके बाद राइटिंग है और लास्ट में स्पीकिंग है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले स्पीकिंग मॉड्यूल से करूंगा, और दो कैटेगरीज में हम पूरे के पूरे सेक्शंस को डिवाइड करेंगे। मतलब ये जो तीनों मॉड्यूल में आपको समझाने लगा इसमें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक साइड पे 5 बैंड वाले स्टूडेंट होंगे, एक साइड के ऊपर 6 और 7 बैंड वाले स्टूडेंट को हम कवर करें। तो आइए हम सबसे पहले स्पीकिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। आपका स्पीकिंग पार्ट 1 है, उसके बाद स्पीकिंग पार्ट 2 जिसको हम क्यू कार्ड बोलते हैं, और उसके बाद स्पीकिंग पार्ट 3 है जिसमें डिस्कशन होती है क्यू कार्ड के बाद। अब अगर मैं 5 बैंड वाले स्टूडेंट की बात करूं तो ध्यान से समझिए कि उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, उनके लिए पार्ट 1 के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें उनको 30 या 35 टॉपिक ही कवर करने हैं। अगर आप मक्कड़ की बुक में देखेंगे तो आपको 200 प्लस टॉपिक मिलते हैं, लेकिन आपको ये सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 30 से 35 टॉपिक जो कि ट्रेंड में चल रहे होते हैं उसको प्रिपेयर करना होता है। और उसके साथ अगर मैं बात करूं तो क्यू कार्ड भी देखो बहुत सारे आपको 90 प्लस क्यू कार्ड मिल जाते हैं, लेकिन सारे क्यू कार्ड आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको हार्डली 30-40 क्यू कार्ड करने हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं, और उसको कैसे करना वो भी मैं तरीका आपको बताने लगा हूं। उसके बाद पार्ट 3 की बात करूं, वो 5 बैंड वालों के लिए तो बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 6 और 7 बैंड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बात 6 और 7 बैंड वालों की भी करने लगा हूं। पहले 5 बैंड वालों का मैं बता रहा हूं। तो सोल्यूशन इसका क्या है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 30 से 35 टॉपिक आपको करने हैं पार्ट 1 में या क्यू कार्ड करने हैं, इसका शॉर्टकट क्या है वो समझिए। सबसे पहले तो जो पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं जो मैंने 30 से 35 टॉपिक आपको बताए जो ट्रेंडिंग में होते हैं, अगर आप प्रेडिक्शन वगैरह लेते हो तो साथ में मिल जाते हैं, उसके आंसर्स आपको 2 या 3 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं, इससे ज़्यादा आपको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती है। अगर मैं क्यू कार्ड की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्यू कार्ड को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यू कार्ड को डिवाइड कैसे करते हैं, देखो इतने सारे टॉपिक्स तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको जैसे कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बात करूं क्यू कार्ड ज़्यादातर प्लेस के ऊपर होते हैं या फिर पीपल के ऊपर होते हैं या फिर उनके एक्सपीरियंस के ऊपर होते हैं कि उनका कोई एक्सपीरियंस रहा हो पास्ट में, इनको डिवाइड करके आपको 40 टॉपिक में से शॉर्ट करके इसको 15 से 20 टॉपिक बनाने, और इसमें भी आप 30-40% जो सेंटेंसेज हैं वो रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका यह है कि नया क्यू कार्ड या नया टॉपिक आ गया तो नए सेंटेंस नहीं बोलने, 30-40% सेंटेंस आपने प्रिपेयर करके रखे हैं, रट्टा लगा के रखे हैं और उसी को ही आपको बोलना है। इसका मैं रीजन बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरे को 13 इयर्स हो गए आइल्स पढ़ाते हुए, आईडीपी के साथ हमने बहुत सारे सेशंस को अटेंड किया हुआ है, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो शायद आपको बोलेंगे कि भाई पार्ट 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 5 बैंड के लिए, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी बात मैं थोड़ी देर में करता हूँ। लेकिन अभी हम 6 और 7 बैंड वालों की बात कर लेते हैं कि 6 और 7 बैंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 30 से 35 टॉपिक जो मैंने पार्ट 1 के बताए थे 5 बैंड वालों को, वही आपको भी प्रिपेयर करने हैं, क्यू कार्ड भी आपको वही 30-40 प्रिपेयर करने हैं, लेकिन आपके लिए चेंज हो जाएगा स्पीकिंग पार्ट 3 का पार्ट। स्पीकिंग पार्ट 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप 6 से ऊपर टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप 6.5 टारगेट कर रहे हैं या 7 टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम आईडीपी के पैरामीटर्स को समझे तो फ्लुएंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 5 बैंड वालों को भी बताया था कि आपके लिए ये रेडीमेड सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं, क्योंकि फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा ग्रामर के ऊपर फोकस कर रहे हैं लेकिन आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल ही जीरो है, ग्रामर आप बिल्कुल करेक्ट कर करके बोल रहे हैं लेकिन फ्लुएंसी जीरो है, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो। तो एवरेज वोकैबुलरी और एवरेज ग्रामर चल जाएगी लेकिन फ्लुएंसी डाउन नहीं होनी चाहिए, स्पेशली
जिनका टारगेट 6 से ऊपर का है। 5 बैंड वालों को भी सेम ही बोलूंगा कि 5 बैंड वाले जो स्टूडेंट है वो भी अपनी जो फ्लुएंसी है उसके ऊपर खास ध्यान दें, रेपिटेशन रिकरेक्शन नहीं होनी चाहिए। बाकी आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स भी हमने बनाया हुआ 8 घंटे का, अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के पास टाइम होता नहीं है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स 1500 का है, उसमें प्रेडिक्शन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, सारा कुछ जो स्पीकिंग के मैंने पार्ट 1 के क्वेश्चन क्यू कार्ड वगैरह बताए सब कुछ आपको मिल जाता है और क्लासेस भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल की। देखो रीडिंग मॉड्यूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्लानिंग। अगर आप प्लान किए बिना जस्ट प्रैक्टिस करी जा रहे, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते वो सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, उनको ये लग रहा होता है कि एक दिन में अगर हम 2 या 3 रीडिंग्स करेंगे तो शायद हमारा भला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना प्लान किए अगर आप कुछ भी कर रहे हो आपको कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले 5 बैंड वालों की बात करते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 27 क्वेश्चन, जिसमें उनके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ब्लैंक्स और मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके साथ साथ उनको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो विद इन 60 मिनट आपको 40 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो ट्रांसफर शीट के ऊपर ट्रांसफर भी करने होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। लेकिन थर्ड पैसेज की अगर मैं बात करूं जो लास्ट में आता है बहुत टफ होता है, जिन स्टूडेंट का लेवल ही 4.5-5 बैंड वाला है उनको इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सारे का सारा टाइम जो है वो पहले 26 या 27 क्वेश्चन के ऊपर लगाना है, ताकि उसमें से आपके अगर 14-15-16 ठीक हो जाते हैं तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत गैस वर्क भी यूज करते हैं तो आपका काम हो जाता है। और इसके लिए हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बनाए हुए हैं, अगर आप हमारा क्रैश कोर्स बाय करेंगे तो उसमें मिल जाएंगे आपको। बाकी अब क्लासेस का मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें आपको कोशिश नहीं करनी है थर्ड वाले में, आपको कोशिश ये करनी है कि जो पहले 27 क्वेश्चन है उसमें से आप कम से कम जो है अच्छा स्कोर, मतलब 18 से 20 स्कोर उसमें से कर पाएं, क्योंकि 23 नंबर चाहिए आपको 5 मिनट लेने के लिए। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, अगर यहां तक मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट का भी भला हो पाएगी। अब हम बात करते हैं 6-7 बैंड वाले जो हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दोबारा से पहले 27 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, जिसमें ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स और मैचिंग हेडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट चेंज हो जाएगा। टारगेट कैसे चेंज हो जाएगा, मतलब आपको कम से कम 23 से लेकर 25 आपको ठीक करने हैं 27 में से। वही अगर 5 बैंड वालों की बात करें उनको थोड़े से कम ठीक करने हैं, आपको 4-5 स्कोर ज्यादा ठीक करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं थर्ड पैसेज की बात करूं तो जिनका टारगेट अभी 6 या 7 है, 6 के लिए आपको 30 स्कोर चाहिए और 7 के लिए 34 स्कोर चाहिए, तो कम से कम 8 से 10 तो आपको करने ही पड़ेंगे थर्ड वाले पैसेज में। और ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारी रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, खाली प्रैक्टिस से काम नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका ग्रामर है, पंक्चुएशन है, प्रपोजिशन है, फिर उसके बाद रेफरेंस प्रोनाउंस होते हैं, लॉन्ग नाउन फ्रेजेस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको एलिमिनेट कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और लास्ट में वोकैबुलरी भी आपको साथ साथ में डेवलप करनी होती है। उसके बाद आपका आता है टाइम मैनेजमेंट। अब ये जो टाइम मैनेजमेंट, इसके भी 2 तरीके हैं, ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर देना है। सबसे पहले आप लोग अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्पोर्टेंस दें, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं तो उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक बारी जैसे मैंने जो स्किल्स आपको बताई अगर आपने वो इम्प्रूव कर ली हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम देने से 1 मंथ पहले प्रॉपर टाइम में आपको सब कुछ करना स्टार्ट कर देना है। मतलब प्रॉपर जो टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं रीडिंग को सॉल्व करने की, 1 घंटा मिलता है, 60 मिनट में आपको रीडिंग साथ में सॉल्व करते करते टाइम का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो ट्रांसफर शीट के ऊपर ट्रांसफर भी करने, कोई एक्स्ट्रा सेकंड तक आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। और लास्ट में बताना चाहूंगा, रियल एग्जाम पैटर्न की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपका कैम्ब्रिज की बुक नंबर 11 से लेके 18 नंबर जो बुक है वहां तक आपको प्रैक्टिस करना होता है। उसके बाद अगर वो प्रैक्टिस कर लिया है तो आप रियल एग्जाम पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। हमारे बहुत सारे पेपर जो और पास्ट एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो उसके रेपिटेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको चाहिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। लास्ट में जाते जाते थोड़ी सी बात में राइटिंग की कर, तो 5 बैंड वाले स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो टास्क 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेडीमेड स्टॉक फ्रेजेस को वो तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ ओपनिंग और क्लोजिंग लेटर की कैसे करनी होती है, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया रियल एग्जाम पेपर की प्रैक्टिस करिए। हमारी बहुत सारी लेटर पास्ट एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं, आने वाले टाइम में भी होती रहेंगी। तो ये जो सारा पास्ट एग्जाम मटेरियल है ये 499 में आपको मिल जाता है, लेकिन क्रैश कोर्स लेते हैं जिसमें आपको सारा गाइड भी किया हुआ है
उसमें ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, उसके चार्जेस 1500 है। उसी प्रकार से अगर मैं टास्क टू की बात करूँ तो कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप है, इसके ऊपर ज़्यादातर टॉपिक्स जो है वो आईएल्स जनरल में आते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस रेडीमेड होते हैं, आप तैयार कर सकते हैं, जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। हमारे पास जो टेम्पलेट है उसमें 40-50% सेंटेंसेस ऑलरेडी बने होते हैं, आपको फिल इन दी ब्लैंक्स ही करनी होती है। उसके साथ मैं बताना चाहूँगा तीन मेजर कैटेगरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जनरल आईएल्स में, जैसे कि डिस्कशन ऐसे है, रीजन सोल्यूशन वाला ऐसे है या इफेक्ट वाला ऐसे है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास टेम्पलेट है, हम सिर्फ एक टेम्पलेट आपको सिखाते हैं, उसी टेम्पलेट को यूज़ करके आपको सारे की सारी ऐसे कैटेगरीज को लिखना है। आपको कुछ ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 40-50% सेंटेंसेज आपके आराम से रेडीमेड होते हैं, बाकी का काम आपको सिखा देते हैं कैसे करना है। वहीं पर अगर मैं 6-7 बैंड वालों की बात करूं तो बाकी सारा काम सेम ही रहेगा, मतलब आपको जो है वो जो कैटेगरीज हैं वो सेम रहेंगी, उसके बाद 40-50% सेंटेंस आपके भी रेडीमेड हो सकते हैं। लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ क्या करनी है कि आपको अपने टीचर से डेली फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 6 से ऊपर टारगेट कर रहे हैं तो आपका टीचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको डेली बेसिस के ऊपर वो बताए कि कैसे करना। उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आपको डिवेलप करने हैं और एडवांस लेवल की पैराफ्रेजिंग आपको सीखनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।